अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? सो आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एंड क्लासेस सबकी अच्छी चल रही हैं ऑनलाइन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग, BBA सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एंड दिस इज़ वीक नंबर 5। ठीक है जी, वीक नंबर 5 है आपका डिसीजन मेकिंग के बारे में, कि व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट इज़ द मैनेजर्स रोल एज अ डिसीजन मेकर एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो डिस्कस करेंगे इसको आज हम इंशाल्लाह। डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग बेसिकली इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का वो है डिसीजन मेकिंग। Essentially, rational or sound decision making is taken as a primary function of management. And ज़रूरी तौर पर क्या चीज़ है कि rational और sound एक अच्छा decision लेना सबसे primary function है हमारे साथ management का। इससे पिछले lecture में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने management के functions discuss किए थे। ठीक है, तो उन functions में हम लोगों ने जो हेनरी फेवल के फंक्शन हमने देखे, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और प्राइमरी है मैनेजमेंट का वो है हमारे पास डिसीजन मेकिंग का। क्योंकि अगर आपका डिसीजन सही होगा, टाइमली होगा और सही टाइम पर सही डिसीजन लेंगे, तब आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आपने सही टाइम पर गलत डिसीजन ले लिया तो आपका बिजनेस नेगेटिवली इफेक्ट होगा। क्योंकि यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में भी होती है, जितने हम लोग डिसीजन सही लेंगे तो हमारी लाइफ सही जाएगी, लेकिन अगर डिसीजन ही गलत होगा तो हमारी लाइफ आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। इट इन्वॉल्व द सेलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स In order to arrive at a solution for a given problem, ठीक है। जब आपके पास एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक लाहे अमल होता है और उसको आप अप्लाई करते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स पर, ठीक है, और आपका मकसद क्या होना होता है कि आप किसी भी आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। मींस कि आपके पास अगर मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं तो दो तीन चीज़ों में से आपने कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, व्हाट विल बी योर डिसीजन। तो यहाँ पर जो बात आ जाती है, दिस इज़ डिसाइडिंग कि व्हाट टू चूज़, कि आपके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से आपने कौन सा चूज़ करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो हियर कम्स द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ ये जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है ये किसका होता है, ये बेसिकली मैनेजर का होता है। सो द मैनेजर्स रोल एज अ डिसीजन मेकर, मैनेजर इसको किस तरह से परफॉर्म करता है, वो एज अ डिसीजन मेकर किस तरह से बनता है। सो मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरली हैव अ स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होती है, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे ना पिछले लेक्चर में, आपको जिक्र किया था कि हमारे पास लोअर मैनेजमेंट होती है, फिर मिडिल मैनेजमेंट होती है, फिर टॉप मैनेजमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट में हमारे पास कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, CEOs होते हैं, BODs जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में हमारे साथ कौन होते हैं, हमारे पास जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, बाकी जितनी भी हमारे पास मैनेजरियल पोजीशंस हो गई ये बंदे हो गए। एंड लोअर मैनेजमेंट में हमारे साथ क्या होता है, जो लाइन मैनेजर्स हो गए, लाइन स्टाफ हो गया, मैनेजर सेल्स, मैनेजर HR, मैनेजर फाइनेंस हो गया, ये हमारे पास लोअर मैनेजमेंट होती है। तो जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है वो आपके बिजनेस पर उनके डिसीजंस इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं जितना टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का क्या काम होता है, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को डिस्कस किया था, तो अगर आप उसको देख लें तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म के डिसीजंस, जो कि आपकी कंपनी के विजन एंड मिशन के लिए वो लेते हैं कि आने वाले टाइम में 10 साल में, 20 साल में आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पर जाएगा। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं, लोअर मैनेजमेंट जो होती है,
इनकी जो डिसीजंस होते हैं ये डेली बेसिस पर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये आपके बिजनेस को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं, बट कैन स्टिल हैव अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द डिपार्टमेंट एंड इट्स वर्कर्स। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी डिपार्टमेंट पर और वर्कर्स पर ज़रूर इफेक्ट करता है। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अ फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर हु इज चार्ज विद शेड्यूलिंग वर्कर एंड ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर हर डिपार्टमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैनेजर है और वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले रही है कि उसने रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है और उसने जो वर्कर्स हैं उनके लिए शेड्यूल बनाना है। तो अगर शेड्यूल वो गलत बनाएगी तो वर्कर्स काम गलत टाइम पर करेंगे एंड आपका बिजनेस नेगेटिवली इफेक्ट होगा। रॉ मटेरियल आपने अगर सही नहीं मंगवाया तो रॉ मटेरियल नहीं पहुँचा है या टाइम पर नहीं है या गलत है तो आपका प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लोअर मैनेजमेंट है इनकी डिसीजंस आपकी कंपनी को एज अ होल तो इफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन एक सिंगल डिपार्टमेंट को ज़रूर इफेक्ट करते हैं। एंड पुअर डिसीजन मेकिंग बाय लोअर लेवल मैनेजर्स इज अनलाइकली टू ड्राइव द एंटायर फर्म आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। तो अगर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन है अगर वो पुअर होगी, गलत होगी, ठीक है, वीक डिसीजन होगी, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो एंटायर फर्म है उसको क्या करिए, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, बट इट कैन लीड टू मैनी एडवर्स आउटकम्स। बल्कि वो क्या करेगा, एडवर्स आउटकम्स उसके आएंगे, बड़े नेगेटिव उसके रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इफ देर आर टू फ्यू वर्कर्स और इनसफिशिएंट सप्लाईज। आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी अगर तो आपके पास मतलब जो मैनेजर है उसने वर्कर्स कम रखे या आपके पास सप्लाईज इनसफिशिएंट हो गई। या क्या होगा, अनदर आउटकम, नेगेटिव आउटकम क्या होगा कि इंक्रीज एक्सपेंसेस, आपके जो बिजनेस का एक्सपेंस है अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे इफ़ देर आर टू मैनी वर्कर्स और टू मैनी सप्लाईज। अगर उसने बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली, बहुत ज़्यादा उसने वर्कर्स रख लिए तो अखराजात आपके ज़्यादा हो जाएंगे। सप्लाईज़ या रॉ मटेरियल्स या ये चीज़ें आपने बहुत सारी मंगवा ली हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो भी आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। एंड पार्टिकुलर इफ़ द सप्लाईज़ हैव अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ और कॉस्टली टू स्टोर। और अगर तो प्रॉब्लम तब भी ज़्यादा होगी कि अगर आपकी जो सप्लाईज़ हैं जो रॉ मटेरियल या बाकी चीज़ें जो आपने मंगवाई हैं अगर उनकी शेल्फ़ लाइफ कम है। शेल्फ़ लाइफ मींस के जिस तरह आप देख लेना कि लेट सपोज सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, आपने मंगवा ली हैं, अपनी शॉप में रख दी हैं, तो उनकी शेल्फ़ लाइफ क्या होती है कि आप उसको रख दें तो वो एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन तक ठीक रहेंगी, तीसरे दिन पर वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपने बहुत सारी आप ले आए हैं अपने सप्लाईज़ और उनकी शेल्फ़ लाइफ कम है तो वो ख़राब हो जाएंगी, अभी यूज़ नहीं होंगी लेकिन ख़राब हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, और अनदर एडवर्स आउटपुट क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉइज़ में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, एंड रिड्यूस्ड मोरल, उनका जो मोरल होगा वो गिर जाएगा, एंड इंक्रीज टर्न ओवर which can be costly for the organization if the decision involved managing and training workers। and आपके जो turnover होगा, turnover means के जो employees हैं तो वो ज़्यादा आपके business को छोड़ कर चले जाएंगे, मतलब आते जाएंगे, आप और लेके आएंगे, वो फिर जब देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो decision making सही नहीं हो रही है, managers ठीक control नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर जॉब छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप किसी और को हायर करेंगे, फिर वो कुछ अर्सा काम करेगा, फिर चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। सो यू हैव टू डिसाइड, आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन आपने लेना है, लेकिन यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू डिसाइड, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब, किस टाइम पर और कैसे डिसीजन लेना है। जब आपको सही टाइमिंग पता होगी तब आप सही एग्जैक्ट डिसीजन लेंगे। दैट इज़ व्हाइल सम डिसीजंस आर सिंपल, मैनेजर डिसीजंस आर ऑफन कम्प्लेक्स ones that involve a range of options and uncertain outcomes। कुछ decisions simple भी होते हैं लेकिन काफ़ी सारे decisions ऐसे होते हैं जो कि complex होते हैं, मुश्किल होते हैं, और उनके जो outcomes होते हैं वो uncertain होते हैं, आपको नहीं पता होता कि इस decision के बाद result क्या आएगा। So when deciding among various options and uncertain outcomes, managers need to gather information। ऐसी situation में जब आपको result uncertain होता है तो आपने क्या करनी होती है, उसके बारे में, उस डिसीजन के बारे में आप पहले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, विच लीड्स देम टू अनदर नेसेसरी डिसीजन, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू मेक अ गुड डिसीजन। एंड ये भी डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट लेना है तो उस प्रोजेक्ट
आपको वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, उससे आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो आप क्या कर लेते हैं कि आप और कंपनीज़ का डाटा ले लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज सिमिलर प्रोजेक्ट्स बाकी कंपनीज ने जो लिए थे उनको इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा हुआ था। तो आप फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली मेक डिसीजंस विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इंडीड वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर इज द एबिलिटी टू डिटरमिन व्हेन टू होल्ड ऑफ अ डिसीजन। यहाँ पर मैनेजर्स क्या होते हैं, वो अक्सर औकात इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए बगैर ही वो बस डिसीजन ले लेते हैं कि जी बस ये डिसीजन है, दैट्स ओके, प्रोजेक्ट में हमें फ़ायदा हो जाएगा। एंड वेटिंग टू लॉन्ग टू मेक अ डिसीजन कैन बी एज हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बहुत सारा टाइम लेते हैं किसी डिसीजन लेने में तो भी ये जो टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड फेलिंग टू रिएक्ट क्विकली एनफ कैन लीड टू मिस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अगर आप क्विकली रिएक्ट नहीं करेंगे, जल्दी से डिसीजन नहीं लेंगे तो शायद आपसे वो अपॉर्चुनिटी चली जाए, आप जो प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं शायद वो आपकी जगह कोई और ले ले। सो दीज आर द प्रॉब्लम। सो इफेक्टिव मैनेजर्स मस्ट डिसाइड व्हेन दे हैव गैदर्ड एनफ इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट बी प्रिपेयर टू चेंज द कोर्स इफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल दैट मेक्स इट क्लियर दैट द ओरिजिनल डिसीजन वॉज अ पुअर वन। सो मैनेजर्स को चाहिए कि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन के बाद फिर वो देखें कि उन्होंने जो स्टार्ट में डिसीजन लिया था जब उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो वाला डिसीजन, एंड आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या वो ये समझते हैं कि उनको जो पहला डिसीजन था वो पुअर वन था, गलत था या नहीं, वो ठीक था। तो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा, एंड फिर एवेलुएट करें एंड देन डिसाइड। अच्छा जी, अब डिसीजन किस तरह से लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट किस्म के 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, दैट इज़ द 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एंड स्टेप्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द डिसीजन, सेकेंड गैदर इंफॉर्मेशन, थर्ड क्या है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, फोर्थ वन क्या है वेट द एविडेंस, फिफ्थ वन क्या है चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, सिक्स्थ वन है टेक एक्शन, एंड सेवन्थ वन है रिव्यू योर डिसीजन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट में कर लेता हूँ कि स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द डिसीजन, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक डिसीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन यू मस्ट मेक, एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपके पास, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन, कि आप किस नेचर का डिसीजन करने जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड में हम लोग फिर क्या करते हैं, कलेक्ट सम पर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिफोर यू मेक योर डिसीजन। वही डाटा कलेक्शन की बात हो गई कि गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हाउ यू गेट इट, सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जिस किस तरीके से आपने कलेक्ट करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क, सम इंफॉर्मेशन इज इंटरनल, यू विल सीक इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, अदर इन्फॉर्मेशन इज, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, कुछ आपको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लेकर आनी होगी, यू विल फाइंड इट ऑनलाइन इन बुक्स फ्रॉम अदर पीपल एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ऑनलाइन ले सकते हैं, बुक्स से बाकी लोगों से ले सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली फर्स्ट स्टेप में, क्या किया आपने कि डिसीजन आइडेंटिफाई किया कि आपने क्या डिसीजन लेना है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली। थर्ड स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या होता है कि एज यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन यू विल प्रॉबेबली आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव्स, यू कैन ऑल्सो यूज योर इमेजिनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट न्यू अल्टरनेटिव्स। इन दिस स्टेप वी विल लिस्ट ऑल पॉसिबल एंड डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स। हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर देते हैं कि एक डिसीजन अगर मैं लूँ तो मेरे साथ अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा मैं और कौन कौन से डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास अल्टरनेटिव्स होनी चाहिए, 3, 4, 5 अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उन अल्टरनेटिव्स में हम लोग क्या करते हैं, वी वेट द एविडेंस। एविडेंस में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ योर इन्फॉर्मेशन एंड इमोशंस टू इमेज, to imagine what it would be like if you carried out each of the alternative to the end. वेटिंग में हम लोग ये करते हैं कि जितनी भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको हम लोग वेटेज दे देते हैं कि अगर हम लोग डिसीजन वन लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिसीजन टू लेंगे तो उसका क्या होगा, 3 लेंगे तो क्या होगा, 4 लेंगे, तो उन सब को हम लोग डिफरेंट वेटेज असाइन कर लेते हैं।
ठीक है, इवेलुएट वेदर द नीड आइडेंटिफाइड इन स्टेप वन वुड बी मेट और रिजॉल्व थ्रू द यूज़ ऑफ ईच अल्टरनेटिव, कि जो स्टेप नंबर वन में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन की थी, तो क्या इस अल्टरनेटिव डिसीजन से वो आइडेंटिफिकेशन जो हमने की थी डिसीजन की वो फुलफिल हो रही है। एंड एज यू गो थ्रू दिस डिफिकल्ट इंटरनल प्रोसेस यू विल बिगिन टू फेवर सर्टन अल्टरनेटिव्स, और इस प्रोसेस से होते हुए फिर आप जब गुजरेंगे ना, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हैं कुछ आपको आपके फेवर में लगेंगे कि हाँ, अगर ये डिसीजन मैंने ले लिया तो मैं इससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ। एंड दोज दैट सीम टू हैव अ हायर पोटेंशियल फॉर रिसीविंग योर गोल फाइनली प्लेस अल्टरनेटिव इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर एंड बेस्ड अपॉन योर ओन वैल्यू सिस्टम, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि उनकी एक ऑर्डर बना लें, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिस डिसीजन को आपने दिया उसको फर्स्ट पे रख लें, उसके बाद जो कम है उसको सेकंड पे रख लें, फिर थर्ड वन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह उनको एक ऑर्डर बना लें। एंड स्टेप नंबर फाइव में क्या है कि चूज़ अमंग द अल्टरनेटिव्स, कि स्टेप नंबर फाइव में क्या है कि हम वंस वी वेट ऑल द एविडेंसेस यू आर रेडी टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट सीम्स टू बी बेस्ट वन फॉर यू, जो सबसे बेस्ट होगा फिर आप उनमें से उस ऑर्डर के थ्रू सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सिक्स स्टेप में फिर हम लोग क्या करते हैं कि टेक द एक्शन, छठे में फिर हम लोग डायरेक्टली उस स्टेप पर एक्शन ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, यही हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन है, एंड यू आर नाउ रेडी टू टेक सम पॉजिटिव एक्शन बाय बिगिनिंग टू इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव यू चूज इन स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर फाइव में जो आपने अल्टरनेटिव चूज़ किया था उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। एंड लास्ट स्टेप में क्या है, रिव्यू योर डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि इन दिस फाइनल स्टेप कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ योर डिसीजन एंड एविडेंस एंड एवेलुएट वेदर और नॉट इट हैज़ रिजॉल्व द नीड यू आइडेंटिफाइड इन स्टेप वन। एंड लास्ट स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं रिजल्ट को, कि क्या जो स्टेप नंबर वन में हमने डिसीजन आइडेंटिफाई किया था तो वो डिसीजन, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इफ द डिसीजन हैज़ नॉट मेट द आइडेंटिफाइड नीड यू मे वॉन्ट टू रिपीट सर्टेन स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, और अगर आपका डिसीजन जो है वो फुलफिल, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर आप इस तमाम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे एंड दोबारा से एवेलुएट करेंगे और दोबारा से कोई सही डिसीजन लेंगे ताकि वो आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये था कुछ हमारा वीक नंबर फाइव जो कि डिसीजन मेकिंग के बारे में था, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, सो टिल देन बाय।